वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉज और एनवीडीए के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम सीखेंगे कि एनवीडीए को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, देखिए एनवीडीए बहुत ही यूजफुल स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये हमसे कोई चार्ज भी नहीं लेता और बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको लगभग जॉज के लेवल का बनाती हैं। इसके बहुत सारे फीचर ऐसे हैं। ओके, इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अधिकतर कमांड्स, मैक्सिमम कमांड्स जॉज की एनवीडीए में काम करती हैं। ओके, तो मैं तो क्या बताऊँ, मैं तो हिंदी के लिए तो एनवीडीए को ही मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से रीड करता है हिंदी। ओके, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एनवीडीए को भी यूज़ करिए। बहुत ही यूज़फुल फीचर है, बहुत ही स्क्रीन, ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये इनको हमें ज़रूर थैंक्स कहना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप इंश्योर कर रहे हैं कि आपके सिस्टम में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ओके, मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने लैपटॉप में इंटरनेट। ओके, डेस्कटॉप पे है अभी हमारा कर्सर। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल में। ओके, तो गूगल कैसे ओपन करना है, आप क्रोम में जाइए। ओके, ये गूगल क्रोम आया, यहाँ पे एंटर करना है। एड्रेस बार आया, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं www.google.com, google.com। ओके, अगर ये एड्रेस बार नहीं आता, आपका कर्सर कहीं और चला जाता है, जैसे मान लो, चलो मैं अपना कर्सर यहाँ मान लो आ गया, अब यहाँ पर हम एड्रेस नहीं टाइप कर सकते, www.google.com यहाँ पर हम नहीं टाइप कर सकते। तो एड्रेस बार लाने के लिए, वैसे तो जैसे ही क्रोम ओपन होता है एड्रेस बार आ जाता है, बाय द वे अगर नहीं आता तो आप Alt plus D प्रेस करिए। देखिए एड्रेस बार आ गया, यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए www, देखिए मैं टाइप करता हूँ www.google.com, selected। इसने ले लिया क्योंकि मैंने टाइप किया पहले से google.com, selected। google.com, google.com टाइप करके आप सिंपल एंटर कर दीजिए। Enter google.com, selected, google-google-chrome, search edit combo, search region, search edit combo collapsed, to set the value, use the arrow keys or type the value। देखिए ओपन हो गया गूगल। एक और तरीका है, आप रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ Alt plus F4 से। Alt F4, desktop, folder। ओके, रन डायलॉग बॉक्स में चलेंगे, प्रेस करेंगे विंडोज के साथ R, विंडोज को प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करेंगे और R प्रेस करेंगे, विंडोज प्लस R। Windows R, run dialog, type the name of the program, folder, document। ओके, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं www.google.com। ओके, W, मेरे में टाइप हो रखा है www.google.com। ओके, ये टाइप है, यहाँ पे एंटर करेंगे। Enter, desktop, folder view is new, Google Chrome, beta 14, to move the items use the arrow keys, to edit the selected item press F2, Google-Google Chrome, search region, search edit combo collapsed, to set the value use the arrow keys or type the value। देखिए गूगल जैसे ओपन होता है, जो कर्सर होता है वो सर्च बॉक्स पे ही होता है, लेकिन फिर भी अगर सर्च बॉक्स से नहीं आता, चलो मैं सर्च बॉक्स से अपना कर्सर हटा देता हूँ। ओके, आप देखिए आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इस तरह की चीजें आएंगी। Link search for it, Google Apps button, Link sign in, navigation region end, Google graphic, search, edit combo। देखिए ये आया एडिट, डाउन एरो से आया मैं। एडिट पे आप स्पेस बार करिए। Space, search edit combo collapsed, to set the value, use the arrow keys or type the value। देखिए ये आ चुका है, एडिट मोड पे आ चुका है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। डाउन एरो से आया मैं,
एक और तरीका है। Search by voice. आप कहीं भी रहिए, एडिट बॉक्स के लिए सिंपल ए प्रेस करिए। सर्च एडिट कॉम्बो, देखिए ई प्रेस किया मैंने, आ गया एडिट बॉक्स, सर्च बॉक्स। यहाँ पे स्पेस बार करना है, देखिए एडिट मोड ओपन हो चुका है। When? अब यहाँ पर आपको टाइप करना है सिंपल डाउनलोड एन वी डी ए। मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे डाउनलोड स्पेस एन वी डी ए एन वी डी ए और एंटर प्रेस कर देना है। Enter. Download हो चुका है, सॉरी मतलब ओपन हो चुका है। अब हम हेडिंग वाइज नेविगेट करेंगे। हेडिंग वाइज नेविगेट करने के लिए H का यूज करते हैं, तो मैं H प्रेस करूंगा। देखिए Accessibility links heading level 2, ये पहला हेडिंग। Search modes heading level 2, अगेन हेड मैं H प्रेस करूंगा। Search results heading level 1, Download NVDA visited heading level 3 link. देखिए डाउनलोड NVDA आ गया, ये हेडिंग। मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Link NV access. देखिए NV access, ध्यान रहे कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, किसी और वेबसाइट से नहीं डाउनलोड करना, ओके? क्योंकि इससे वायरस वगैरह आ सकते हैं आपके सिस्टम में, ओके? देखिए मैं दिखाता हूँ, डाउन एरो प्रेस करूंगा एक बार और। https://www.vaccess.org/right-angle-quotation-mark-download ओके, nvaccess.org, ये NVDA की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से डाउनलोड करना है आपको। तो डाउनलोड NVDA, ओके? यहाँ पर एंटर करेंगे तो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, शिफ्ट टैब करेंगे तो सॉरी शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो न्यू विंडो में ये ओपन हो जाएगा। तो मैं शिफ्ट एंटर कर प्रेस कर देता हूँ। Shift enter main region download NVDA NV access :// www.vaccess.org/right-angle-quotation-mark-download heading level 3 link visited NV access vertical bar download NVDA NV access vertical bar download NVDA page has 3 regions 18 NV. Okay, तो ये हमारा जो वेबसाइट है NVDA की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप विंडो कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे एक्टिवेट करेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आपको ये सीखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि एक जिसके पास बिल्कुल भी विजन नहीं है वो कैसे विंडो डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा और एक्टिवेट करेगा, ये देखना चाहिए आपको, आना चाहिए सभी विजुअली इम्पेयर्ड पीपल को, ओके? तो ये nvaccess.org, ये NVDA की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ओके? मैं दिखा देता हूँ। नेविगेशन रीजन, मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। हेडिंग लेवल 1 लिंक ग्राफिक एंड द एक्सेस एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉन-डैश विजुअल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। देखिए है ना, लिंक डोनेट लिस्ट ऑफ 9 आइटम्स। तो मैंने पहले ही बताया कि ये हमसे कोई चार्ज नहीं लेते, बट हम ये डोनेशन मांगते हैं और हमें डोनेट करना चाहिए, क्योंकि इससे हम NV एक्सेस वालों की हेल्प नहीं करेंगे, इससे हम अपनी खुद की हेल्प करेंगे, ओके? क्योंकि उनके उनको हम डोनेट करेंगे तो और अच्छे वो इनोवेशंस लाएंगे NVDA सॉफ्टवेयर में, ओके? तो मैं H प्रेस करूंगा यहाँ पे, हेडिंग वाइज चलूंगा, डाउन एरो से बहुत टाइम लग जाएगा, ओके? डाउनलोड एक्सपीरियंस NVDA टुडे हेडिंग लेवल 2, देखिए ये हेडिंग आई, H प्रेस कर रहा हूँ मैं, NVDA वर्जन 2023.2 हेडिंग लेवल 2, ओके? यहाँ आपको लेटेस्ट NVDA मिलेंगे, पुराने भी मिलेंगे, तो हमें लेटेस्ट डाउनलोड करना है। ये हेडिंग आई, हेडिंग लेवल 2 NVDA वर्जन 2023.2 ये आया। अब यहाँ पे आप डाउन एरो प्रेस करना शुरू करिए, ओके? मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। The NVDA screen reader can be downloaded free of charge by anyone. We do this because we believe everyone, especially the world's poorest blind people. देखिए, ओके? ये सब बता रहा है कि जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए ये काम करते हैं। Deserve access to computers and the way out of poverty. If you have the means, no matter how big or small, please consider making a donation before downloading. ओके, देखिए ये बोल रहा है कि अगर आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो आप कितना भी आप डोनेट कर सकते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट भी आप डोनेट कर सकते हैं इनको। NVDA, we rely on donations and grants to continue improving NVDA and to ensure it remains compatible with the world's rapidly changing technology. ओके, डोनेशंस के थ्रू ये काम करते हैं। Please note colon NVDA is only available for PCs running Microsoft Windows 7 SP 1 and later. If you require a version of NVDA that can still run on Windows XP or Vista, please download the much older. Okay, तो अभी यहाँ पे आपको latest NVDA मिलेगा Windows 7 या फिर उससे ऊपर के versions के लिए। अगर फिर भी आपको XP window वैसे आज तक कोई use नहीं कर रहा होगा, अगर आप use कर रहे हैं तो यहाँ पे
WinGenVGA 2017.3 for Windows XP. ये है, यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, ओके? तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे लेटेस्ट चाहिए, तो अगेन डाउन एरो प्रेस करूंगा मैं. Instead, NV Access does not, however, recommend or support running this older version on newer operating systems. ओके, देखिए, ये कह भी रहे हैं कि हम रेकमेंड नहीं करते ओल्डर वर्जन यूज करने के लिए NVDA का, ओके? और मैं भी रेकमेंड नहीं करूंगा आपको ओल्डर वर्जन यूज करने के लिए NVDA का. मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज करिए. अगेन डाउन एरो प्रेस करूंगा. देखिए, अब यहाँ पे डोनेशन ऑप्शन आ जाते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. If you wish to donate, you can make a secure payment by credit card or by PayPal account. Amounts are in Australian dollars, left baron, odd right baron. Okay. Australian donations. ये जो भी आप अमाउंट पे करेंगे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में होंगे. जितनी भी जो जितना रुपए आप पे करेंगे, हमारा जो रुपी है, हमारी करेंसी, तो जिसकी जितनी भी वैल्यू होगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, वो उनको पे हो जाएगी. ओके, over $2.00 are tax cash deductible. Heading level 3, I'd like to donate colon. Groups are one dash off donation. $30 radio button not checked. यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप जो आपको पे करना है आप उनको चेक कर सकते हैं स्पेस बार से. $50 radio button not checked. $100 radio button not checked. $250 radio button not checked. मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ. Other radio button not checked. आप अदर भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो उन्होंने दिया है वो नहीं करना आपको, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे अदर करेंगे तो वहाँ पे टाइप करने के लिए आएगा. ग्रुप एंड groups are monthly donation. यहाँ मंथली डोनेशन है. $5 radio button not checked. आप यहाँ से करेंगे तो मंथली आपको डोनेट करना होगा. $10 radio button not checked. $20 radio button not checked. $50 radio button not checked. Other radio button not checked. यहाँ भी अदर है. Group start no donation. Skip donation this time radio button checked. 1-1. अभी ये वाला रेडियो बटन चेक है. Skip donation. Group skip donation this time radio. Skip donation this time. ये अभी चेक है. ओके? तो आगे मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा. Group end. Download button. देखिए, यह है डाउनलोड बटन. यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है. मैं एंटर प्रेस करता हूँ. एंटर. डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा. ओके, डिपेंड करता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे. ग्रुप एंड डाउनलोड बटन. हेडिंग लेवल 2 NVDA प्रोडक्टिविटी बंडल. डाउनलोड बटन. आप इसको देख सकते हैं कई बार ये मेन रीजन. डाउनलोड बटन टू एक्टिवेट प्रेस एंटर. डाउनलोड कई बार नहीं लेता. एंटर. ये टाइम लेगा डाउनलोड होने में, एक बार देख लेते हैं. NV Access Navigation Region. NVDA Version 2 Donation Ops. I'd like to donate colon NVDA Productivity. Download button. List with one item. Sale up. Download button to activate. Press enter. अब वहां हम चेक कर सकते हैं कंट्रोल जे करके. Control J, downloads, downloads, search downloads, edit, type in text, 34. More actions button menu, press space to table, column 2, row 1, grid, https://www.maxis.org link, pause button to activate, press enter. ओके, डाउनलोड हो रहा था वहां पे. एग्जैक्ट वहां पर ये दिख नहीं रहा था, यहां पर ये डाउनलोड हो रहा है. कंट्रोल J प्रेस करेंगे, उसके बाद आप टैब का यूज करेंगे तो यहां पे 53. दिखाएगा. देखिए, परसेंटेज आ भी रही है यहां पे. ओके, आप यहां पर आके देख सकते हैं कंट्रोल J प्रेस करके. 57. डाउनलोडिंग हो रही है. 59. 63. बस एक टाइम लेगा. ओके. 69 71 78 84 87 90. डाउनलोडिंग हो रही है. 94 97 100. Recent downloads dialog to navigate use tab. देखिए, यहाँ पर ये हमारा जो NVDA है वो डाउनलोड हो चुका है. ओके, heading level 1 downloads. अब आपको जाना है downloads. Heading level 1 downloads. Search downloads. आप यहाँ टैब प्रेस करेंगे तो More actions button menu table column 1 row 1 grid dot underline 2023.2 left parent 1 right parent dot x link https show and folder link see remove dot underline toolbar home grid table column 3 row 0 show and folder link see colon back. देखिए, यहाँ show in folder आ रहा है. यहाँ पे टैब करेंगे तो आप डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाएंगे. अगर यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप फाइल एक्सप्लोरर में जाके भी डाउनलोड वाले फोल्डर में जा सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा
विंडोज प्लस ई विंडोज ई फाइल एक्सप्लोरर आइटम्स न्यू मल्टी सेलेक्ट फाइल एक्सप्लोरर आ चुका है। अब यहाँ पे जाइए आप डाउनलोड वाले फोल्डर में यहाँ पे एंटर प्रेस करिए एंटर शेल फोल्डर व्यू आइटम्स न्यू लिस्ट बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए अप एंड डाउन एरो से एनवीडीए आ चुका है। मीडिया क्रिएशन मीडिया अंडरलाइन 2023.2.3 देखिए आया एनवीडीए। अब यहाँ पर एनवीडीए पे आप एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ इंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस शुरू होगी। एंटर विंडोज डायलॉग डाउनलोड्स आइटम्स न्यू मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स टुडे एक्सपैंडेड मीडिया अंडरलाइन 2023.2 10/25/2023 9:51 p.m. application 31,210 keys dialog please wait while setup is loading. तो NVDA download items new multi select list box today expanded not underlined 2023.2/25/2023 9:51 p.m. application 31,215 KB 203 to move to an item press the arrow keys NVDA launcher license agreement edit read only use your reading keys to read the text। तो देखिए आपने सुना होगा ध्यान से actually होता क्या है कि जॉस जिसको एकदम अच्छे से नहीं पढ़ता जैसे NVDA जैसे हम बोल रहे हैं जॉस उसको कुछ अलग से पढ़ता है। ओके तो ये आपको ध्यान में रखना होगा वो एनवीडीए ही होता है। ओके तो अब देखिए ये ओपन हो चुकी है विंडो इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है इसको चेक करना पड़ेगा। ओके एक्सेप्ट करने के लिए इसको पहले चेक करना है। यहाँ पर आप एग्जिट भी कर सकते हैं लेकिन अगर एग्जिट करना ही है तो इंस्टॉल क्यों करेंगे। ओके ये लाइसेंस अग्रीमेंट है। आई एग्री इसको चेक करना है स्पेस बार से चेक। अब देखिए टाइप करेंगे तो इंस्टॉल एनवीडीए ऑन दिस कंप्यूटर एक ही आया। अगेन टाइप कर प्रेस करूंगा यहाँ पे क्रिएट पोर्टेबल कॉपी पे एंटर करेंगे एक पोर्टेबल इसका बन जाएगा। ओके इस ये पोर्टेबल कॉपी इसकी बन जाएगी जब भी आपको एनवीडीए की जरूरत है आप उसको डेस्कटॉप पे रखिए जब भी जरूरत है आप वहाँ पे एंटर करिए एनवीडीए ऑन हो जाएगा। ओके आप कंप्यूटर शट डाउन कर देंगे तो एनवीडीए बंद हो जाएगा यानी वो पोर्टेबल कॉपी बन जाएगी वो आपके एनवीडीए कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं रहेगी वो वहां पे रहेगी जब भी आपको एनवीडीए की जरूरत पड़ेगी उसे स्विच करना पड़ेगा वहां पर जाके एंटर करना पड़ेगा तब एनवीडीए काम करना शुरू करेगा। पोर्टेबल कॉपी में यह है इंस्टॉल कर लेंगे तो एनवीडीए बढ़िया से काम करेगा उसको जैसे आप चाहें वैसे काम करा सकते हैं कंप्यूटर ऑन करें तो ऑन हो जाए इस तरह की चीजें पोर्टेबल कॉपी में नहीं मिलेंगी। ओके ऑटोमेटिक एनवीडीए ऑन हो जाए। अगेन टैप प्रेस करूंगा कंटिन्यू रनिंग पे एंटर करेंगे तो एनवीडीए काम करना शुरू कर देगा ना ही इंस्टॉल होगा और ना ही पोर्टेबल कॉपी क्रिएट होगी ये काम करना शुरू कर देगा लेकिन जैसे ही आप एनवीडीए को अगर आपने एग्जिट किया या कंप्यूटर ऑफ किया तो ये एनवीडीए हट जाएगा यानी सेटअप आपके कंप्यूटर में रहेगा अगेन आपको फिर से इसको लोड करना पड़ेगा इस तरीके से ये होता है कंटिन्यू रनिंग में यानी ये काम करना शुरू कर देगा कंटिन्यू रनिंग पे एंटर करने से। ओके तो अभी हमें क्या करना है इंस्टॉल करना है यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं एग्जिट नहीं करना मैंने चेक कर लिया है इनका लाइसेंस अग्रीमेंट इंस्टॉल एनवीडीए ऑन दिस कंप्यूटर यहाँ पे एंटर करना है या फिर स्पेस बार अब यहाँ पर देखिए कंटिन्यू करना है यहाँ पहला जो ऑप्शन है यूज NVDA ड्यूरिंग साइन इन यानी जब आप NVDA जब आपका जो साइन इन विंडो आती है वहां पर अगर आपको एनवीडीए चाहिए इसको आप चेक रखिए। ओके नहीं चाहिए तो आप नॉट चेक कर दीजिए स्पेस बार से। ओके मुझे चाहिए
Up create desktop icon and shortcut key left parent control plus alt plus end right parent checkbox check the clear checkmark press space bar alt plus D. डेस्कटॉप पर NVIDIA की जो शॉर्टकट कॉपी है वो आपको चाहिए तो यहाँ पे चेक रखना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ये चेक रहता है, नहीं चाहिए तो आप नॉट चेक कर सकते हैं। ओके, मुझे चाहिए डेस्कटॉप पे NVIDIA का शॉर्टकट, इसलिए मैं इसे चेक रखूंगा। अगेन टैप प्रेस करूंगा, कंटिन्यू बटन पे स्पेस बार या फिर एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे परमिशन मांग रहा है सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेटर से। ओके, तो नो कर देंगे तो ये फिर इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो क्या बोलेंगे, खत्म हो जाएगी, यानी पूरी नहीं हो पाएगी, एंड हो जाएगी यहीं पे। इसलिए अगर आपको प्रोसेस पूरा करना है, कंप्लीट करना है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस कैसे करेंगे, या तो फिर आप ऑल्ट प्लस वाई करिए, या तो टैब और शिफ्ट टैब से यस बटन पे जाइए। मैं शिफ्ट टैब प्रेस करूंगा, यस बटन टू एक्टिवेट, प्रेस स्पेस बार, अल्ट फॉलो यस पे स्पेस बार स्पेस installing NVIDIA dialog, installing NVIDIA while NVIDIA is being installed, installing NVIDIA, installing NVIDIA, NVIDIA install हो रहा है। अभी यहाँ बीप आ रही है, परसेंटेज बोल नहीं रहा है, आप बाद में इसको सेट कर सकते हैं, बीप आए परसेंटेज में या फिर NVIDIA बोले। success to okay button to activate press space bar, देखिए successfully NVIDIA, please press okay to start the installed copy, okay button। अब यहाँ पर आपको ओके करना है, ओके ओके पे स्पेस बार स्पेस इंस्टॉलिंग NVIDIA डायलॉग, इंस्टॉलिंग NVIDIA डाउनलोड्स आइटम्स न्यू मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स टुडे एक्सपेंडेड डॉट अंडरलाइन 2023.2/25/2023/9:51 PM एप्लीकेशन 31,215 KB. अभी यहाँ पर जो जॉस के एग्जिट वाला कमांड है इंसर्ट प्लस F4 नहीं काम करेगा क्योंकि NVIDIA चल रहा है। ओके, तो यहाँ से हम मैन्युअली करेंगे। डेस्कटॉप पे जो शॉर्टकट है जॉस का वहां मैंने एंटर किया तो ये ऑप्शन खुल गया है। अब आप एरो करेंगे तो एग्जिट आ जाएगा, डाउन एरो से भी जा सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। एग्जिट बटन आया, यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए, एंटर। जॉस Microsoft head. अब जॉर्ज नहीं है, ओके? मैं ऑल टैप करता हूँ। Welcome to NVIDIA dialog. Welcome to NVIDIA. Most commands for controlling NVIDIA require you to hold down the NVIDIA key while pressing other keys. By default, the numpad insert and main insert keys may both be used as the NVIDIA key. You can also configure NVIDIA to use the caps lock as the NVIDIA key. Press NVIDIA plus N at any time to activate the NVIDIA menu. From this menu, you can configure NVIDIA, get help and access other NVIDIA functions. Options grouping. Keyboard layout, combo box desktop collapsed alt plus K. देखिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन NVIDIA ने हमें दे दिया है, ओके? तो use cap keyboard layout, combo box desktop collapsed alt okay button. Options grouping. Keyboard layout. अब यहाँ पे keyboard layout आपको कैसा चाहिए? Desktop by default रहता है, अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप रखिए, लैपटॉप यूज करेंगे तो लैपटॉप, ओके लैपटॉप, लैपटॉप यूज करेंगे तो क्या होगा कि कुछ लैपटॉप में क्या होता है, इंसर्ट की नहीं होती है, तो लैपटॉप यूज करेंगे तो जो हमारी कैप्स लॉक वाली की है वो भी इंसर्ट का काम करेगी और इंसर्ट NVIDIA की होती है। ओके, ये आपको याद रखना है, इंसर्ट NVIDIA की होती है। जैसे NVIDIA की सेटिंग्स आपको ओपन करना है तो आपको इंसर्ट के साथ एन प्रेस करना होगा। अगर लैपटॉप में इंसर्ट की नहीं है तो आप कीबोर्ड लेआउट लैपटॉप रखिए और कैप्स लॉक के साथ एन दबाएंगे तो जो कैप्स लॉक की है वो इंसर्ट का काम करेगी। तो मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप करूंगा, डेस्क लैपटॉप, ओके लैपटॉप करूंगा और टैप प्रेस करना है, यूज कैप्स लॉक एज एन NVIDIA मॉडिफायर की चेक बॉक्स नॉट चेक्ड ऑल्ट प्लस यू। कैप्स लॉक को आप NVIDIA की मॉडिफायर की यूज करेंगे, यानी आप कैप्स लॉक को NVIDIA की मॉडिफायर की बनाना चाहते हैं या नहीं, अगर यस तो आपको यहाँ पे चेक करना है। तो मेरा लैपटॉप है, वैसे मेरे लैपटॉप इंसर्ट की है बट फिर भी सही अच्छा लगता है,
थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली हो जाता है। ओके, दो तरफ इंसर्ट हो जाती है, तो मैं इसको यूज करूंगा। स्टार्ट यूज कैप्स लॉक एज एन एनवीडीए मॉडिफायर की। मैं कैप्स लॉक को एनवीडीए की मॉडिफायर की के रूप में यूज करना चाहूंगा, इसलिए मैं स्पेस बार से चेक करूंगा। स्पेस चेक्ड। चेक स्टार्ट एनवीडीए आफ्टर आई साइन इन चेकबॉक्स नॉट चेक्ड और प्लस। जब साइन इन हो तब एनवीडीए अनाउंस करे जो भी वहां पे है या नहीं। अगर आप इसको नॉट चेक रखेंगे तो एनवीडीए नहीं बोलेगा जब तक डेस्कटॉप विंडो नहीं आ जाएगी। ओके, साइन इन विंडो पे, लॉग इन विंडो पे नहीं बोलेगा। इसको रखना चाहिए क्योंकि मान लो अगर आपने पासवर्ड वगैरह डाल रखा है आपने, तो ये जरूरी है कि साइन इन विंडो पे भी हमारा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वहाँ पे अनाउंस करें, वहाँ पे हमारी हेल्प करें। तो इसको चेक करेंगे, अगर आपको नहीं जरूरत तो मत चेक करिए, मुझे जरूरत है। यहाँ मैं चेक कर देता हूँ। अगेन टैप प्रेस करूंगा। Show this dialog when NVDA starts checkbox checked or plus S. अभी जो डायलॉग बॉक्स ओपन है, क्या आप चाहते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स हर बार ओपन हो जब आप NVDA को स्विच ऑन करें? अगर नहीं चाहिए ये डायलॉग बॉक्स बार बार, तो आप इसको नॉट चेक कर सकते हैं। Okay, but options grouping. Show this dialog when NVDA starts checkbox checked or plus S. Okay, ये नहीं चाहिए तो आप इसको नॉट चेक कर दीजिए। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना। ओके, अब टैप प्रेस करूंगा। ओके बटन। ओके बटन पे स्पेस बार या फिर एंटर। स्पेस NVDA usage data collection dialog in order to improve NVDA in the future. NV access wishes to collect usage data from running copies of NVDA. Data includes operating system version, NVDA version, language, country of origin, plus certain NVDA configurations such as current synthesizer, braille display and braille table. No spoken or braille content will be ever sent to NV Access. Please refer to the user guide for a current list of all data collected. Do you wish to allow NV Access to periodically collect this data in order to improve NVDA? Remind me later button or plus L. अब देखिए, जैसे हमने ओके बटन पे ओके किया, तो ये हमसे एक परमिशन मांग रहा है कि आप हम इसे परमिशन दें कि ये हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले सके कि हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, किस कंट्री में यूज कर रहे हैं, क्या क्या फीचर हम यूज कर रहे हैं NVDA की, जिससे कि ये और इम्प्रूव कर सके हमारे अकॉर्डिंग। तो आप चाहें तो इसको परमिशन दें, अगर नहीं देना तो मत दीजिए। वैसे मुझे लगता देना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होना, बल्कि ये इनको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी NV Access वालों को। तो मैं इसको परमिशन दे के ही रखता हूँ। Yes button or plus Y. आप नो कर सकते हैं। No but remind me later button or plus L. आप remind me later पे भी कर सकते हैं। ओके, ये तीन ऑप्शन है, yes, no या फिर remind me later. Yes button or plus Y. मैं yes कर देता हूँ, yes पे space bar, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये और improvements लाएं NVDA screen reading software में। Desktop list. Jaws 2021 10 of 15. ये हो गया, NVDA हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड भी हो गया है। जो डाउनलोड है उसे आप रख सकते हैं। ओके, कभी आपको जरूरत पड़े तो उसको आप कहीं सेव करके रख सकते हैं। जो डाउनलोड हुआ है वो आपको डाउनलोड वाले फोल्डर में मिल जाएगा, आप उसे कॉपी करके कहीं भी रख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर डाउनलोड्स विंडो ये सब ओपन है, आप इसको क्लोज कर दीजिए ऑल टैप 4 से। डेस्कटॉप लिस्ट, अगेन ऑल टैप करता हूँ। डाउनलोड्स Google Chrome, ये भी सब ओपन करो, सब क्लोज कर रहा हूँ मैं। डाउनलोड डेस्कटॉप लिस्ट, सब कुछ क्लोज हो चुका है, केवल अब कंप्यूटर ऑन है। अब देखिए, अभी यहाँ पर करेंटली NVDA की ये वाली आवाज आपको डिफॉल्ट में मिलती है। आपको और वॉइस चेंज करना है तो आप शॉर्ट कमांड यूज करिए, इंसर्ट कंट्रोल एस। इंसर्ट कंट्रोल एस को इंसर्ट और कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और एस प्रेस करना है। देखिए मैं करता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। सिलेक्ट सिंथेसाइजर डायलॉग, सिंथेसाइजर कॉम्बो बॉक्स विंडोज वन कोर वॉइसेस कोलैप्स्ड और प्लस एस। सिलेक्ट सिंथेसाइजर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है इंसर्ट कंट्रोल और एस कमांड देने से। ओके, अब यहाँ पर आप एंड डाउन एरो से आप सिंथेसाइजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नो स्पीच, लास्ट में नो स्पीच है, यहाँ पे एंटर कर देंगे तो कुछ भी नहीं बोलेगा NVDA। ओके, मैं अप एरो प्रेस करता हूँ।
Windows 1 Core Voices. ये वाली है वॉइस है Microsoft Speech API version 5. Microsoft Speech API version. अगेन आप एरो करूंगा E-speaking. E-speaking. मैं जनरली E-speaking को ही यूज करता हूँ, मुझे ये वाली अच्छी लगती है. Micro E-speaking. E-speaking पे एंटर करना है, जो भी आपको चाहिए वहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है. मैं E-speaking पे एंटर करूंगा. Desktop list JAWS 2021 10 of 15. ओके, ये वाली NVIDIA की आवाज मुझे अच्छी लगती है. ओके, मैं इसी को यूज करता हूँ. Program Manager. देखिए. Micro JAWS 2021 10 of 15. Successfully हमारा NVIDIA काम करना शुरू कर चुका है. ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आगे से आप NVIDIA को डाउनलोड भी कर पाएंगे और इंस्टॉल भी कर पाएंगे. ओके, तो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए जिससे कि सभी को इसका एडवांटेज मिले. और अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप मुझे फीडबैक देना नहीं भूलना. चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ये बहुत जरूरी है. ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच.